गुजरात राज्य भर में रिपोर्टर, तहसील ब्यूरो, जिला ब्यूरो की तुरंत आवश्यकता है। जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आज ही संपर्क करें। 9979523233। जय हिंद, आप देख रहे हैं सीएनसीटीवी न्यूज़, में उधारा शर्मा आपके साथ। एक प्रसिद्ध कहावत इस प्रकार है, कल्पना कीजिए कि अगर पेड़ वाईफाई सिग्नल देते तो हम कितने सारे पेड़ लगा देते, शायद हम ग्रह को तो बचा लेते। बहुत दुख की बात है कि वे केवल ऑक्सीजन का सृजन करते हैं। कितना दुखद है कि हम प्रौद्योगिकी के इतने आदि हो गए हैं कि हम अपने पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक प्रभावों की अनदेखी करते हैं। न केवल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल प्रकृति को नष्ट कर रहा है, बल्कि यह हमें उससे अलग भी कर रहा है। अगर हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं और अच्छे जीवन यापन करना चाहते हैं, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाए। आज का स्वार्थी मानव पेड़ तो काटता गया, लेकिन पेड़ लगाना भूल गया, जिससे यह समस्या आज इतनी उग्र हो गई है। वन पृथ्वी की अमूल्य धरोहर है, वह मूल से लेकर शिखा तक हमारे लिए है। उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अपने और आने वाली पीढ़ी के जीवन को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना ही होगा। हमारे देश में वनों के संरक्षण हेतु कई अभियान देश चलाए जा रहा है। वही हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान धीरेज गुप्ता और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी द्वारा वृक्ष एवं वन संरक्षण हेतु इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य उत्साह के साथ जारी है। विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर हमारी क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की गुजरात टीम ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी की निगरानी में पूरे राज्य में 1,00,000 पौधे लगाने का संकल्प किया था, और इस संकल्प का पालन करते हुए राज्य में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय कल्पेश आचार्य जी द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर वन संरक्षण हेतु जागरूकता फैलाने का प्रशंसनीय काम जारी है। वही हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की गुजरात टीम द्वारा साबरकांठा क्षेत्र के खेड़ ब्रह्मा के श्री ज्योति विद्यालय में हमारे सीएनसीटीवी न्यूज रिपोर्टर धीरू भाई परमार और क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के खेड़ ब्रह्मा तहसील अध्यक्ष श्रीमान हितेश भाई पटेल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आगाज किया। साथ साथ हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर श्रीमान नरेंद्र प्रजापति, गुजरात प्रदेश चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर वुमेन सेल श्रीमती दीपिका भदौरिया मैडम, न्यू नरोड़ा प्रेसिडेंट श्रीमान मनोज सिंह तोमर और चांदखेड़ा प्रेसिडेंट विशाल गुप्ता ने उपस्थित रहकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी ने वनों और वृक्षों का महत्व समझाते हुए सबको वृक्षों का जतन करने और जगह जगह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में प्रांत अधिकारी श्री मोदी सर, मामलतदार श्री गमान सर, तहसील विकास अधिकारी श्री परमार सर व पूरा स्टाफ, नगर पालिका के प्रमुख श्री झलक पटेल, उप प्रमुख श्री अरविंद ठक्कर, तहसील पंचायत के प्रमुख श्री, नगर पालिका सदस्य श्री ब्रिजेश बारो, मधुबेन नरसिंह भाई पटेल, सोनू ईश्वर भाई पटेल, श्री डी के प्रजापति, ज्योति विद्यालय के आचार्य श्री सुरेश भाई पटेल व स्टाफ, फॉरेस्ट ऑफिसर श्री व स्टाफ, पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ, ज्योति विद्यालय के और खेड़ ब्रह्मा के नगरजनों ने उपस्थित रहकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दिनेश गुप्ता ने आगे भी वृक्षारोपण के संदर्भ में ऐसे कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि आज हमारे देशवासी वनों तथा वृक्षों की महत्ता को एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं। वन महोत्सव हमारे राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। देश की समृद्धि में हमारे वृक्ष का भी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इस राष्ट्र के हर नागरिक को अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है, और उन्होंने इस सराहनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। जय हिंद।